नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाता है होम साइंस मतलब गृह विज्ञान को जो रहने वाला है वो पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा। पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा एमसीक्यू का। किसका? एमसीक्यू क्वेश्चनों का पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा। पार्ट नंबर वन नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई, वीडियो का लिंक वहां पर जाके आप देख सकते हो। और जिन लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड कहाँ हो जाएगी? पीडीएफ डाउनलोड होगी आपके भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाके आप कहाँ जाओगे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बात करते हैं, ये हो जाता है आहार पोषण के आधारभूत तत्व मानव विकास, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर, क्या करते हैं, बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड की ओर। तो यहां पर क्या स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर कहां से रहने वाला है भाई? यूनिट नंबर जो हो जाएगा यूनिट 5 से देखने वाले हैं यूनिट 8 तक। कितना? यूनिट 5 से यूनिट 8 तक इसमें देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, धुआं उठा देंगे बिल्कुल, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यूनिट नंबर 5। यूनिट कौन सी स्टार्ट होने वाली है भाई? 5 स्टार्ट होने वाली है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है, बाल विकास निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? बाल विकास है जो निम्नलिखित में से किसका अध्ययन हो जाता है? यहाँ पर देखा है गर्भावस्था से बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, यहाँ पे उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है? देखा है बाल विकास निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ये किसका हो जाएगा भाई? गर्भावस्था से बाल्यावस्था का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालक के विकास में सहायक है, बालक के विकास में सहायक कौन होता है? माता पिता, अध्यापक या फिर समाज या फिर ये सभी। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट भाई? ये सभी रहने वाले हैं ना। बालक के विकास में क्या सहायता करते हैं? माता पिता भी करते हैं, अध्यापक भी करते हैं और समाज भी करता है। तो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुनर्बलन का सिद्धांत किसकी देन है? जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था? फ्राइड ने या फिर बॉलार्ड एवं मिलर ने, याद रखा है बंदुरा बॉल्टर्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा कौन सा बिल्कुल राइट, कौन हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे बोलार्ड एवं मिलर ने दिया था। किसने? बोलार्ड एवं मिलर ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अहम महा अहम इन तीन व्यक्तियों व्यक्तित्व सॉरी इन तीन व्यक्तित्व अवस्थाओं को किसने विभाजित किया है? ये क्या है भाई? मैं अहम महा अहम इन तीन व्यक्तित्व अवस्थाओं को किसने विभाजित किया है? तो भाई कौन हो जाते हैं यहां पर आपको बताना है, ठीक है। डोलार्ड, पियाजे, फ्राइड, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा कौन सा बिल्कुल राइट? तो मैं अहम और महा अहम जो हो जाते हैं व्यक्तित्व किसने दिए हैं भाई? फ्राइड ने दिए हैं। किसने? फ्राइड ने दिए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रच्छदता अवस्था कौन से वर्ष में होती है? जो प्रच्छदता अवस्था होती है वह कौन से वर्ष में होती है? आपको बताना है 12-20, 5-12 या फिर 2-7, 8-3 महा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा भाई राइट? तो भाई राइट कौन सा जाएगा? 5 से 12 वर्ष के अंदर क्या मिलेगी? प्रच्छदता अवस्था देखने को मिलती है 5 से 12 वर्ष के अंदर। आगे देखते हैं किशोर अवस्था की उम्र होती है, किशोर अवस्था की उम्र कौन सी होती है? आपको बताना है। पहला दे रखा है तुम्हारा 10 से 13, 13 से 18, 19 से दे रखा है 20 और दे रखा है तुम्हारा 15 से 25। तो कौन सी हो जाएगी भाई? राइट आंसर हो जाएगा 13 से 18 होती है किशोर अवस्था की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है, हरलॉक के अनुसार जो शैशवावस्था है वो क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक या फिर जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भावस्था के 2 सप्ताह तक, गर्भाशय से 2 वर्ष तक। तो यहां पर कौन सी हो जाएगी शैशवावस्था? बिल्कुल शैशवावस्था यहां पर कौन सी बिल्कुल राइट हो जाएगी? तो जन्म के 2 सप्ताह तक हो जाएगी। क्या? जन्म से 2 सप्ताह तक हो जाती है कौन सी? शैशवावस्था, ठीक है, ध्यान रखना। जन्म से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि एवं विकास दोनों आरंभ होते हैं, वृद्धि एवं विकास जो होते हैं दोनों आरंभ होते हैं किसमें? गर्भावस्था में या फिर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोर अवस्था में। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा? देखो वृद्धि एवं विकास दोनों प्रारंभ होते हैं, वृद्धि भी होगी और विकास भी होगा, मतलब कोई चीज का विकास हो रहा है, कोई चीज बन रही है, तो क्या होगा? गर्भावस्था में होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जन्म के बाद विकास की सबसे अधिक तीव्रता होती है, जन्म के बाद विकास की सबसे अधिक तीव्रता कौन सी होती है? प्रथम 3 वर्षों में, प्रथम 4 वर्षों में, प्रथम 5 वर्षों में, प्रथम 6 वर्षों में। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट?
तो जन्म के बाद विकास की सबसे अधिक तीव्रता जो होती है प्रथम 3 वर्षों में होती है। कितने? प्रथम 3 वर्षों में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। अब यहां पर यूनिट हो जाती है हमारी 6। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक लिंग कोश में क्रोमोसोम्स के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट में देख रखा है कितनी होती है भाई, 23 जोड़ी, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साधारणतया गर्भधारण होता है, साधारणतया गर्भधारण होता है कौन सा? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या फिर योनि में? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? राइट। तो भी कहा होगा? गर्भाशय में हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, स्त्री कोष को क्या कहते हैं? शुक्राणु, विषाणु, अंडाणु या फिर हो जाएगा जीवाणु? तो यहां पर क्या कहते हैं? स्त्री कोष को क्या कहते हैं भाई? अंडाणु कहा जाता है। क्या? अंडाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, तुम्हारा बिंब ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? बिंब ग्रंथि जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है आपको बताना है। बिंब ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? तो बिंब ग्रंथि होती है 2। कितनी होती है भाई? 2 होती है बिंब ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? गर्भ से शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए या फिर अस्थि निर्माण के लिए? तो यहां पर हो जाएगा कौन सा? राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, क्या हो जाएगा भाई? होने वाला क्या है? तो यहां पर गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ी, प्रोटीन से क्या होता है? शरीर का विकास होता है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, गर्भाशय शिशु के विकास के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। देखिए यहां दे रखा है, गर्भावस्था का प्रमुख लक्षण है, गर्भावस्था का प्रमुख लक्षण क्या है आपको बताना है। पैदा रखा है चक्कर आना, मानसिक सिर धर्म का बंद हो जाना, मानसिक धर्म का बंद हो जाना। फिर दे रखा है तुम्हारा कि घबराहट होना या फिर सिर दर्द होना। तो यहां पर हो जाएगा कौन सा? राइट। कौन सा? राइट हो जाएगा भाई। दे रखा है गर्भावस्था का प्रमुख लक्षण क्या होता है? मासिक धर्म बंद हो जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीड़ादायक मासिक धर्म का कारण क्या होता है? हार्मोन्स स्ताव असंतुलित होना, फिर दे रखा है हार्मोन्स स्ताव असंतुलित होना, सेकंड दे रखा है रक्तहीनता, तीसरा दे रखा है गर्भाशय की मांसपेशियों का विकास ठीक से ना होना, या दे रखा है उपयुक्त तीनों। तो यहां पर क्या हो सकता है? राइट। पीड़ादायक मासिक धर्म का अर्थ क्या होता है? हार्मोन्स स्ताव असंतुलित होना या फिर रक्तहीनता होना या फिर गर्भाशय की मांसपेशियों का विकास ठीक से ना होना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां दे रखा है असूति का कमरा होना चाहिए, जो असूति होता है उसका कमरा कैसा होना चाहिए? हवादार व स्वच्छ होना चाहिए, या दे रखा है तुम्हारा शोरगुल से मुक्त होना चाहिए, प्रकाशमय होना चाहिए, या फिर ये सभी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हवादार स्वच्छ होना चाहिए और शोरगुल से मुक्त होगा, और यहां पर क्या होना चाहिए? प्रकाश भी आना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहां पर यूनिट नंबर कौन सी? 7 की ओर। यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? तो कौन सा टीका जो होता है 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? राइट। बीसीजी टीबी का हो जाएगा, एटीसी एटीएस दे रखा है, डीपीटी दे रखा है, या दे रखा है तुम्हारा टीएबी? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो भाई कौन सा आएगा भाई? डीपीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीपीटी का टीका जो होता है 3 रोगों से रक्षा करता है। आगे देखते हैं, यहां देखा है पोलियो का टीका देने का उचित समय क्या होता है? 1 से 3 माह, 4 से 6 माह, 6 से 9 माह, 9 से 12 माह? तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो पोलियो का जो टीका दिया जाता है वो उचित समय होता है 4 से 6 माह। कौन सा होता है भाई? 4 से 6 माह होता है पोलियो के टीका देने का बिल्कुल उचित समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखा है 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में कितने दांत निकल आते हैं? 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में कितने दांत निकल आते हैं? यहां पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, 10, 15, 20 या फिर 24? 10, 15, 20 या फिर 24? तो कितने हो जाएंगे भाई? 20 दांत निकल आते हैं 2 वर्ष के अंतराल में। बात करते हैं यहां पर स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए, कब से कर देनी चाहिए? 6 माह की आयु से, 8 माह की आयु से, 1 वर्ष की आयु से, 2 वर्ष की आयु से? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट? बिल्कुल यहां बताएगा कौन सा बिल्कुल राइट होगा। तो स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए, 6 माह की आयु से प्रारंभ कर देनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जन्म के समय सामान्य शिशु का भार होता है कितना होता है? ये क्वेश्चन हमने किसमें देखा था? फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में भी इसे देख रखा है।
तो कितना हो जाएगा, जन्म के समय सामान्य शिशु का जो भार होता है वो कितना होता है, 5 से 8 पाउंड होता है। कितना होता है भाई, 5 से 8 पाउंड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साधारण भारतीय बच्चे का जन्म के समय वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। 2 kg, 6 kg या फिर रखा है अपने 2.7 से 3.5 kg या फिर 4 kg, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताएगा। हाँ बताएगा भाई, इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखा, साधारण भारतीय बच्चे का जन्म के समय वजन कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर आ चुका है 2.7 से, हो जाता है 3.5 kg, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है कौन है, व्यायाम है, स्वच्छता है, पोषण है या फिर निद्रा है। तो कह रहा है बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भाई, पोषण होता है। क्या होता है, पोषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चा चलना प्रारंभ करता है कब करता है, 5 माह से, 7 माह से, 9 माह से, 11 माह से। बच्चा चलना प्रारंभ करता है किससे भाई, 11 माह से चलना प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध के दांतों की संख्या होती है 15, 20, 25, 30। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है जो 2 वर्ष तक जमाते हैं, मतलब कितने, 20 हो जाएगी भाई, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नवजात शिशु की सामान्यता लंबाई होती है, नवजात शिशु की सामान्य लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कितनी होती है भाई, ये भी हमने क्वेश्चन दे रखा है, हमने फूड न्यूट्रिशन हाइजिंग में देखा था, कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो जाएंगे, वंशानुगत, वातावरण, व्यवसाय या फिर ये सभी। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों की बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन से हैं, वंशानुगत भी होते हैं, वातावरण अनुकूल भी होते हैं और व्यवसाय के अनुसार भी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी हो जाएगा। यहां देखा है तुम्हारा, डिंब ग्रंथियों की संख्या डैश होती है कितनी होती है, अभी हमने देखा था कितनी होती है भाई, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुवांशिक गुणों का निर्धारण डैश होता है, अनुवांशिक गुणों का निर्धारण किससे होता है भाई, जींस पर निर्भर करता है, कितने, किस पर करता है, जींस पर निर्भर करता है अनुवांशिक गुणों का निर्धारण। अगर आपका जींस मतलब क्रोमोसोम्स गुणसूत्र अगर जींस आपका सही बता रहा है कि हाँ भी आपकी लंबाई इतनी होनी है आपके माता पिता के अनुसार, ठीक है, उनका मिक्सिंग कर क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है, और गुणसूत्र क्या बनाता है, जींस बनाता है, और जींस ही क्या करता है, हमारी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब क्या करता है, इसी के अनुसार होता है, बाकी वातावरण अनुकूल देखने को मिल जाता है। बात करते हैं, बालिका का जन्म डैश तथा डैश क्रोमोसोम्स के संयोग से होता है, बालिका का जन्म डैश तथा डैश के क्रोमोसोम के संयोग से बनता है, तो कौन से गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर, एक्स वाई क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है, क्या एक्स वाई से मिलता है बालिका, और वाई से क्या बनेगी, वाई से बन जाता है कौन भाई, जेंडर बन जाएगा ना, मेल बन जाएगा। फिर बात करते हैं आगे, देखा है डैश द्रव्य भ्रूण की बाहरी आघातों से रक्षा करता है, तो कौन सा करता है भाई, ये करता है एमनियोटिक, कौन सा, एमनियोटिक द्रव्य, कौन सा करता है भाई, एमनियोटिक द्रव्य बाहरी आघातों से रक्षा करता है द्रव्य भ्रूण की, ठीक है, जो भ्रूण की रक्षा करता है वो कौन सा द्रव्य करता है, ये देखा है तुम्हारा, एमनियोटिक द्रव्य बाहरी आघातों से भ्रूण की रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। यहां देखा है गर्भकालीन, कौन सा, गर्भकालीन विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है ये देखना है, ठीक है, 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है, पहली होती है डिंब अवस्था, फिर होती है भ्रूण अवस्था, फिर होती है गर्भ अवस्था। पहले होती है डिंब वाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है, फिर उसके बाद में हो जाता है भ्रूण अवस्था आती है, फिर क्या होती है, गर्भ अवस्था आती है, ठीक है, फिर कहां आता है, भ्रूण में आता है, फिर जाके चिपक जाता है भ्रूण की एक सतह पर, ठीक है। पहले डिंब वाहिनी में पता है फैलोपियन नलिका में क्या होता है, शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है, उसके बाद वह जब निषेचन हो जाता है फिर कहां जाता है भाई, फटकर आ जाता है, कहां पर, भ्रूण अवस्था में, और कहां जाता है, चिपक जाता है एक जगह, फिर वह फटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर कहां चिपक, फिर गर्भ अवस्था में क्या होता है, उसका वृद्धि होने लगती है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जन्म पूर्व क्या हो जाएगा, जन्म पूर्व तीसरे सप्ताह से 2 माह के अंत तक की अवस्था डैश अवस्था कहलाती है, जन्म पूर्व तीसरे अवस्था से 2 माह के अंत तक की अवस्था डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं भ्रूण अवस्था, क्या कहते हैं भाई, भ्रूण अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दांतों के विकास की
नींव गर्भावस्था के डैश माह में ही पड़ जाती है। तो कौन से माह में पड़ जाती है भाई? तीसरे माह में क्या होता है, दांतों का विकास होने लगता है गर्भावस्था में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है तुम्हारा, नींव पड़ जाती है, सॉरी नींव, ठीक है, मतलब विकास होने लगता है, ठीक है, एनिमल वगैरह का। बात करते हैं जन्म के समय एक सामान्य शिशु का भार डैश से डैश किलोग्राम होता है, कितना होता है जन्म के समय, कितना होता है? अभी देखा था ना, 2.5 से लेकर 3.7 किलोग्राम होता है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 3 दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। रखा है हमारे शरीर में लगभग डैश मांसपेशियां हैं, कितनी मांसपेशियां हैं, सॉरी पेशियां दे रखा है, मांसपेशियां नहीं दे रखा है, ठीक है। मांसपेशियां तो होती हैं 639, कितनी होती हैं? 639 होती हैं, मगर सिर्फ पेशियों की बात करें तो पेशियां कितनी होती हैं भाई? 400 होती हैं। हमारे शरीर में लगभग डैश पेशियां होती हैं, तो पेशियां होती हैं 400, और मांसपेशियां की बात कर देगा तो कितनी होती हैं? 639 होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का, बालक सामाजिक मुस्कान डैश माह में देता है, कौन से माह में देता है आपको बताना है। बालक जो होता है वो सामाजिक मुस्कान कौन से माह में देता है? वह 3 माह में देता है, कौन से माह में देगा? तीसरे माह में देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जन्म के बाद बालक की प्रथम भाषा डैश है, कौन सा है भाई? रोना ही है ना। आगे देखिएगा, अब यूनिट हमारी हो जाती है 8, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन को देखना है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ देखा है 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं, एकांकी में, सामूहिक में, ए से बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा भाई? राइट, तो किस में लेते हैं भाई? सामूहिक में लेते हैं, किसमें? सामूहिक में लेते हैं। 6 से 7 वर्षों के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? सामूहिक में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बालक के खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है, बालक के खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? वातावरण, खाली समय, याद रखा है आर्थिक स्तर, फिर देखा है ये सभी, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? राइट भाई, तो बालक के खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? वातावरण भी करता है, खाली समय भी करता है, और आर्थिक स्तर भी करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु से होता है, कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु से होता है? यहां पर बताना है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष, तो यहां पर कौन सा रहने वाला है? राइट, तो कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु से होता है? 4 वर्ष से होता है, कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सहचार्य, कौन सा? सहचार्य खेलों में कितने बालक एक साथ खेलते हैं, सहचार्य खेलों में कितने बालक एक साथ खेलते हैं? 2 बालक, 3 बालक, 4 बालक या फिर अकेला बालक, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? राइट भी, तो सहचार खेलों में कितने बालक खेलते हैं भाई? 2 बालक खेलते हैं, कितने? 2 बालक खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कौन से हैं? हार्मोन्स, वातावरण, वंश परंपरा, याद रखा है ये सभी, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? राइट भी, बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कौन से हो जाएंगे? हार्मोन्स भी हो जाएगा, वातावरण भी हो जाएगा, वंश परंपरा भी हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां बच्चे को बनाती हैं, क्या बनाती हैं आपको बताना है। प्रतिकूल परिस्थितियां बच्चे को बनाती हैं क्रोधी, निराशावादी, घमंडी या फिर आशावादी। जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं वह बच्चे को क्या बनाती हैं? क्रोधी बनाती हैं, क्या बनाती हैं भाई? क्रोधी बनाती हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखा है बालक की शिक्षा में विशेष महत्व है, बालक की शिक्षा में विशेष महत्व क्या होता है? खेल कूद का, व्यायाम का, अभ्यास का या फिर उपयुक्त सभी का, तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है? ठीक है, यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा? बालक की शिक्षा में विशेष महत्व किसका होता है भाई? अभ्यास का होता है, किसका होता है? अभ्यास का होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोधी की भावना पाई जाती है? शैशवावस्था, पूर्वालावस्था, उत्तरबालावस्था या फिर किशोरावस्था, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट? तो उत्तर बाल अवस्था हो जाएगी, कौन सी? उत्तर बाल अवस्था हो जाएगी, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, रखा है सामाजिकरण की अवस्था कौन सी है, सामाजिकरण की अवस्था कौन सी है? यह हो जाएगा पहला मौखिक अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर ये सभी हो जाएंगी, तो यहां पर कौन सा राइट होगा? सामाजिकरण की अवस्था कौन सी है? तो भाई मौखिक अवस्था भी हो जाएगी, बाल्यावस्था भी हो जाएगी, किशोरावस्था भी हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी हो जाएंगे। बालक के चरित्र के विकास को प्रभावित करता है, कौन करता है? परिवार, विद्यालय, शिक्षक या फिर ये सभी। बालक के चरित्र के विकास को प्रभावित कौन करता है?
तो भाई ये सभी करते हैं, परिवार करता है, विद्यालय करता है, शिक्षित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ये सभी बालक के चरित्र को, विकास को प्रभावित कौन करते हैं, परिवार और विद्यालय और शिक्षक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाखून काटने का व्यवहार बालक में डैश वर्ष में आता है। नाखून काटने का व्यवहार बालक में डैश वर्ष में आता है, 3 से 6 वर्ष में आता है। कितने वर्ष में आता है भाई, 3 से 6 वर्ष में आता है उसके अंदर व्यवहार निकल कर। ये बात करते हैं आगे, डैश में अंगूठा चूसना सामान्य व्यवहार नहीं माना जाता। डैश में अंगूठा चूसना सामान्य व्यवहार नहीं माना जाता, परंतु यदि अंगूठा चूसना एक आदत के रूप में बन जाए और शैशवावस्था के बाद भी देखा जाए तो ऐसे डैश व्यवहार माना जाता है। क्या शैशवावस्था तथा सौम्यावस्था समस्यात्मक पाया जाता है, क्या शैशवावस्था समस्यात्मक, तो यहां पर हो जाएगा अपना ये आंसर हो जाते हैं। तो यहां पर यूनिट हमारी 8 भी हो जाती है कंप्लीट। तो इस प्रकार से पार्ट नंबर सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा कंप्लीट। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू नहीं जाने वाला है इससे बाहर। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिस किसी की पीडीएफ डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पीडीएफ को डाउनलोड करो, अच्छी प्रकार से पढ़ो, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन छूटकर नहीं आना चाहिए एग्जाम में। तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और पीडीएफ को क्या करने ना भाई, डाउनलोड करने था। लाइक करो, शेयर करो फटाफट, ठीक है।